साइड से, साइड से, राखी जी साइड इधर, राखी जी, आपा आपा साइड, राखी जी, इधर इधर, राखी, राखी, फातिमा, फातिमा इधर, फातिमा जी इधर इधर, फातिमा आइए आइए फातिमा जी चलो भाई इधर 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 चालू भूख फातिमा जी क्या बात है फातिमा जी कैसा रहा सफर बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छा रहा अरे मोबाइल डाल देंगे क्या हमें फातिमा जी आपके साथ चलो 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 पीछे चलो अरे वाह राखी नहीं फातिमा बोलो फातिमा फातिमा चलो पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे चलिए चलिए ये सारे चलो चलो भाई गाड़ी एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो आई मिनट एक मिनट चलो एक मिनट सब एक मिनट सबकम तकी मत करो प्लीज हाँ बोलिए राखी राखी पापी राखी काफी एलिगेशन लग रहे हैं 200 करोड़ का डिफेमेशन केस भी लग रहा है आपके ऊपर क्या कहना चाहोगे इस बारे में क्योंकि आप इंडिया में काफी दिनों से नहीं थे तो आपके पीठ पीछे 200 करोड़ का डेफिमेशन केस लग रहा है मुझे कुछ नहीं पता मैं तो अभी उमरा करके आई हूँ पावन धरती पर गई थी मैं वहाँ पे पाक जगह पर कौन क्या कर रहा है कौन क्या ड्रामा कर रहा है ये किसकी बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है बिल्कुल ये हिंदू धर्म में कभी कोई खराबी नहीं थी मैंने मुस्लिम में शादी करी थी निकाह किया था तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं तो आप पिछले एक साल से मैं हूँ एक साल से शादीशुदा हूँ आदिल के साथ तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं तो ये तो मैं बहुत लक्की हूँ कि मेरा बुलावा आया था मक्का मदीना और बस राखी कन्वर्जन सर्टिफिकेट की अगर बात करूँ खालिद मामू और वाहिद भाई जब जामा मस्जिद गए थे पहली बार जब रिजेक्ट कर दिया गया था तो अभी आप कैस किस तरह से गए अभी क्या जामा मस्जिद उन्होंने डिनाई कर दिया कि आप कुछ कन्वर्जन सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं दिया है नहीं नहीं ये गलत बात है बिल्कुल कहीं किसी ने रिजेक्ट नहीं किया ये मेरे सुलेमान भाई है दुबई से उन्होंने मेरा वीज़ा बनाया था तो राखी आप एक और कहा जा रहा है कि आपका नाम चेंज नहीं हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में पर फिर भी आपने उमरा किया है सवाल ही उठता नहीं है गलत बात है तो क्या आपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम चेंज कर लिया है वक्त बताएगा और सुनो ये जो वेल्ले बैठे है ना ये ड्रामेबाज ये फुकरे ये जो मेरे नाम की पब्लिसिटी राखी राखी करके मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं बेरोजगार बैठे हैं वो जो मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं मुझे उनसे दूर रखिए प्लीज़ मैं एक नेक और खुदा को बिलीव करने वाली हूँ आप लोग मुझे बोलते हैं जो मुसलमान होकर जो पैदाइशी मुसलमान होकर एक मिनट मंदिर जाते हैं वैष्णो देवी जाते हैं तो आप उनको कुछ नहीं बोलते अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली उन मेरा बुलावा आया तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दिया चलिए एक मिनट मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ थोड़ा एक मिनट मुझे लगता है मैं थोड़ा सा
हट जाइए मेरे पीछे से, आप लोग हट जाइए, ये मेरे पीछे से पब्लिसिटी कोई खाने की कोशिश ना करे। हाँ हट जाओ। अच्छा मैं ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरा बुलावा आया, बड़े बड़े अमीर तुर्रम खान बैठे हुए हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, उनका बुलावा आया नहीं है, लेकिन तुम्हारी राखी सच्ची है, खुदा को लगा कि ये लड़की सच्ची है। और मैं पिछले, मैंने रोज़े रखे परफेक्ट, मैं पिछले एक, जब से आदिल से शादी करी पिछले एक साल से बरोबर मैं इस्लामिक हूँ और रोज़े किए, नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरा बुलावा आ गया तो अल्लाह ने मुझे बुलाया, खुदा ने बुलाया, बस और क्या चाहिए। अच्छा राखी, आपका इंस्टाग्राम के बारे में भी कहा जा रहा था कि आपने ही डिसेबल किया था और बाद में आपने ही उसको एक्टिवेट कर दिया। मेरा रातों रात इंस्टाग्राम जो है वो गायब हो गया था। मैं वाहिद भाई रोते रोते हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे कंप्लेंट किया और कंप्लेंट करने के बाद जो फेसबुक के जो ओनर है पुलिस ने इमीडिएटली उनको मेल किया और मैंने कहा कि मुझे वहाँ से लाइव जाना बहुत ज़रूरी है और इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम हैक करवा दिया है क्योंकि एक पोस्ट डाला था मैंने कोई जेल वेल का। तो फिर उन्होंने 24 घंटे में उन्होंने मेरा, जब मैं वहाँ पहुँची 24 घंटे लगे मुझे यहाँ से मदीना फिर मक्का वहाँ पहुँची तो मेरा इंस्टाग्राम मुझे मिल गया। इसके लिए मैं होशियारा पुलिस की शुक्रगुजार हूँ और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो ऑनर है उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा तत्काल मेल किया, पुलिस ने मेल किया तो 24 घंटे में आया, अगर पुलिस मेल नहीं करती तो शायद 2-4 दिन लगते। ओके उमरा करने के बाद शांत रहिए प्लीज, मैं भी बहुत काम और कूल हो गई हूँ, एकदम काम और कूल हो गई हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने तवाफ किए, मैंने वहाँ पे वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही शांति फील हुई और ऐसा लगा कि मैं रो रही हूँ, ऐसा लग रहा कि मैं एक मेरी माँ की कोख में पहुँच गई हूँ, एक माता और पिता का सहारा मुझे वहाँ मिला और मुझे मेरे मुसलमान भाई बहनों ने वहाँ मुझे इतना प्यार दिया, हर किसी ने प्यार दिया मुझे वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। राखी जैसा मुसलमान की तरफ से आपको वहाँ पर इतना प्यार मिला, आपको नहीं लगता अगर आप आदिल के साथ जाती तो और इज्जत से और ज्यादा आपको प्यार मिलता वहाँ पर? शायद उठा ना ऊपर, शायद उसके नसीब में नहीं था, हालांकि उसने बड़े वादे किए थे शादी के बाद कि हाँ मैं आपको उमरा ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ पहला उमरा तो हस्बैंड या फैमिली के साथ ही होता है, लेकिन मुझे अकेले जाने मिला और ये उसकी बदकिस्मती है कि वो वहाँ नहीं पहुँचे और उसका ना बोल, क्योंकि वो लोग झूठे एक नंबर के हैं, वो शैतान के बच्चे हैं, झूठे एक नंबर के हैं, इसलिए उनका बुलावा नहीं आया। शैतान के बच्चों के बारे में मुझे कुछ ना पूछा जाए। राखी अभी आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स भी सारे चेंज हो जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में भी आपके सारे नाम चेंज हो जाएंगे और अभी आप जैसे इस्लाम कबूल कर रहे हैं। खुदा ने मुझे ऐसे ही पैदा किया है और खुदा मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, खुदा को डॉक्यूमेंट्स की और नाम चेंजिंग की जरूरत नहीं है। अरे भाई साइड राखी जी, राखी जी इंटरव्यू देके जाइए राखी जी, राखी जी आपके चेहरे पे नूर, बैठ जाइए आराम से, राखी राखी दो मिनट
राखी अरे पैर पे चढ़ गया, पैर पे चढ़ गया यार, रुको अरे निकालो ना गाड़ी यार, राखी दरवाजा खोल दे, लॉक नहीं है।